माइक टेस्टिंग 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 बराबर आवटू छे के हेलो 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हेलो माइक टेस्टिंग हेलो 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 जे झाड़ी आवे ने लोग पेटे उसी का मुके ओके चलिए गाइज वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई मीन व्लॉग तो नहीं है, आज का हमारा पॉडकास्ट का सेशन रहेगा। कल के वीडियो में मैंने पूछा था आप लोगों को कि सवाल कीजिए, हम लोग जवाब देंगे और बहुत अच्छे वाले जवाब देंगे। तो क्या होगा कि हम लोग आज आपके जो कल के क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे। सबसे पहले तो बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए और बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ की, हमको अच्छा लगा। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, वैसे मम्मी ने भी पढ़े हैं गुजराती वाले। तो उसमें से कुछ कुछ हमने सिलेक्ट किए हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन था कि आपकी यूट्यूब की इनकम कितनी है, तो वो हम ये वीडियो के एंड में बताएंगे। तो आपको बना रहना पड़ेगा, स्किप मत करना, सबसे कॉमेडी होने वाला है। हमारे भाई की तो हंसी ही छूट गई है। तो उसका आंसर हमने रेडी करके रखा है और बहुत अच्छा आंसर आने वाला है। तो एंड तक देखना है वीडियो, ठीक है। और क्या बताना चाहते थे हम, चालू करते हैं अभी क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है, जयदीप एंड सारिका, व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ? सीरियस और फनी आंसर। तो हमारी लाइफ का गोल क्या है? तो ये माइक वाले हमारे माइक करता धरता आज हार्दिक भाई है, रिपोर्टर साहब। ई तो एम लीधो छे शो माटे। तो मारो लाइफ नो गोल नथी होतो। मारो एक टाइम नो होय छे, कयु शाक बनावू, रोटली बनावी, भाकरी बनावी, एज। ओके के लॉन्ग લાંબો ગોલ કઈ છે નહીં મારો। એક આ બધા ગોલ થોડાક મોટા થઈ જાય અને અચ્છી લાઈફ એની સેટ થઈ જાય, ઈ જ મોટોમાં મોટો ગોલ છે। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ फनी आंसर भी देने का है। अभी फनी में हम क्या करें? आ ये फनी में हो क्या है? अपरोटी वाले ने बेही नहीं थी अब तो ये माइक इधर जो बोलते हैं ना, माइक इधर देने का। हां हो फनी में जो जयदीप पराठा वाले बेही नहीं थी अब तो माइक को भी मोटे रखो ना। एक महीना से घरे से ने એટલે નકરા લાડવા ઘી ये गोल है। खान ये खाए खाए फनी થઈ ગયો જો। अभी वो गोल चल रहा है भाई। आपको पलाठी वाल नहीं सकता हूं मैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम पापा को करेंगे। पापा को पूछते गाड़ी में दूध ढोळाનું છે એની વાસ નહીં જાય, નીચે ફ્લોર ની કાર્પેટ કાઢી લોન્ડ્રી માં ધોવડાવી પડશે, નહીતર પછી ગાડી જ બદલવી પડશે। आपको क्या कहना है उसके बारे में? ये બધું ઓલ રાઈટ છે, એમાં કાઈ બદલવાની જરૂર નથી, બરાબર છે, ઓલ રાઈટ છે। પપ્પા કો કુછ મેલી નહીં આ રહી હે, પપ્પા કા નાક ही उड़ गया। 4-5 દિવસ સડકા મે રહે, ધૂપ મે રહેગી ને થોડે दिन तो उड़ जाएगी अपने आप। ओके पप्पा, थैंक यू सो मच। ये पापा का क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ओके वेलकम। तो अभी ये फनी, ये कंटिन्यू रखो, आपके हाथ में माइक रखो। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, टॉयलेट में कौन વધુ टाइम लगाड़े छे અને કોણ મોબાઈલ લઈને જાય છે? आंसर मम्मी और पापा दे। जयदीप जयदीप तो लय जाय से, सारिका ने वो खबर नहीं। जयदीप ने खबर छे टाइम વધારે જયદીપ લગાડે છે અને મોબાઈલ જયદીપ લઈ જાય છે અને ટોયલેટ તો સવારે ઉઠી અને બેઠા અને ટોયલેટ થયું નથી। ઓ માય ગોડ, હા એને ટોયલેટ થયું કહેવાય। ઓકે નવણા કોઠે હા મોબાઈલ વગર બે ગ્લાસ પાણી પીવો અને તરત ટોયલેટ થઈ જ જવું જોઈએ। मम्मी ना, मम्मी ना आपो, मम्मी ना, मम्मी को फटाफट ले आला आले पर मोबाइल आम नहीं, मम्मी माइक आम रखવાનું છે। આ પર જવાબ તો પૂછ સવાલ। ओके चलिए सवाल। वैसे उसका टॉयलेट का आंसर ये है कि भाई सबसे ज्यादा हार्दिक लेके जाता है। हार्दिक को 1 घंटा लगता है। नाम लीधु तारू, तू मारी ऊपर ना कमा, पापा तारू नाम लीधु। मां नाम किसी का भी लिया हो, हमको अनुभव है ना। वो 9 बजे जाता है, 11 बजे निकलता है। तो बात होत केजो फोन में बैठो तब पहुंच जाओ। तो તમારા લગ્નના કેટલા વર્ષ થયા છે? બંને વચ્ચે કેટલો ગેપ છે? અમારા લગ્નના કેટલા વર્ષ થયા? 7 વર્ષ। પાપા કો પતા હે 7 વર્ષ હુએ હે। મમ્મી તારે બોલાયા, માઈક લીધું જ બોલવા આટુ ઠીક। મને કહેશો જેને બોલવો એને। અમારે शादी કે કહેવાનું નહોતું કેટલા વર્ષ આને કઈ ને। હા 2016 में शादी हुई है। हाँ तो 17 18 19 20 21 22 23 6 7 વર્ષ। मम्मी और पापा के लगन को कितने साल हो गए हैं वो पापा बताएंगे। पापा को माइक दे दो। 37 ईयर। इधर ब्रॉडकास्ट चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। पापा एक का जवाब आंसर आप है जयदीप 37 ईयर्स। पापा थोड़ा काम इलेबोरेट कराए, लांबो बोल रहे। हाँ हाँ इलेबोरेट 37 इलेबोरेट 37 सो फार 37। और हमारे आपके एज डिफरेंस कितना है आप दोनों का? 7 ईयर। 7 ईयर का डिफरेंस है जितना हमारी शादी हुई है, और हमारा और सारिका का 3 साल का डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है। वैसे पहले ऐसा ही होता था। हाँ पहले ऐसे ही होता था वैसे। और बड़े क्यों बोलते थे? हाँ अरे हम 9 सारिका आवाज आवे माइक लेव पड़ से हाथ में। हस्बैंड बड़े क्यों मतलब ढूंढते थे, क्योंकि हस्बैंड में थोड़ी बुद्धि ज्यादा रहती है ना, तो वो छोटी वाली को संभाल पाए। लेकिन हमारे में तो पता नहीं क्या हुआ। हमारे में बहुत बढ़िया हुआ जो हुआ ना, वो अभी तक मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या कहते हैं मम्मी? हाँ लेकिन साची बात है। साची बात नहीं मम्मी, एक क्वेश्चन साची ने, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था लेकिन सही बात है। एक सही पकड़ा, सही पकड़ा। अभी जयदीप बड़े ही नहीं हो रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि सारिका को 3 बच्चे संभालने पड़ते हैं, क्या ये सही बात है? सही बात है, सही है ना। हाँ सही। अभी आप समझ लो 3 बच्चे कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई क्वेश्चन टू जयदीप भाई, अगर आप फोटोग्राफर नहीं होते तो क्या होते, और सारिका जॉब करती तो कौन सा पसंद करती? भाई मैं अगर फोटोग्राफर नहीं होता ना तो पापा के साथ LLB कर रहा होता। पापा को दो, पापा को पूछेंगे पापा मैं कैसा वकील बनता अगर बनता तो। अरे मैं तेरे को तो हाई कोर्ट भेजने की कोशिश कर रहा था एडवोकेट बनाकर, लेकिन तूने करना ही नहीं था, क्या करूँ। मार थी कोई नहीं एम नो कहे तू खोटो छो, ये मेरी बहुत बड़ी वो है। मैं किसी के साथ झगड़ नहीं सकता हूँ, मेरा स्वभाव वो नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मैं ना मैंने सोच लिया था कि मेरे को वकील बनना है। ये भाई मेरे को ऐसा देख रहा झगड़ते सब लोगों के साथ, झगड़ते नहीं है तो, पर तुम्हारा वकीलात में है ना अलग अलग फील्ड आती है, सब झगड़ने वाले ही नहीं होते, अलग अलग आती है। अच्छा तो भाई का ऐसा है कि भाई एकदम ऐसे बापू स्टाइल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा बोल सकते हैं कि भाई तू खोटो छो दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, जवाब नहीं दे सकते, मैं थोड़ा भोड़ा हूँ। ये देखो भोड़ा, भोड़ों ने दयालु से। क्योंकि पापा को क्या है कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता हूँ, तो पापा को हाई कोर्ट में भेज के ये वाड़ बराबर। अच्छा मम्मी किसी के पास पैसा नहीं, हम दोनों यहाँ वकीलात करे और तू वहाँ करे। हाँ। तो यहाँ से भेजे वहाँ पे हाई कोर्ट में, पैसा ही पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा। वो मेरा आइडिया था, पैसा ही पैसा। लेकिन कोई बात नहीं, जो लिखा था वो हो गया, हो गया, हो गया। पर बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। हाँ। और अभी सारिका के ऊपर जाते, सारिका अगर जॉब करते तो कौन सा पसंद करते सारिका जी? वो तो मैंने अभी सोचा नहीं है, कल दूं तो चलेगा। पार्लर? पार्लर नहीं करत। पार्लर थोड़ी जॉब होती, वो एक बिजनेस होता है, बिजनेस करते हम। वो मैं शायद कल परसों दूंगी। आगे बढ़ते हैं, पापा का टाइम वेस्ट हो रहा है। और बातों में एक क्वेश्चन तो नहीं है पर एक वो है, तो ऐसे लिखा है कि हमारे सिंधी का कल न्यू ईयर है तो प्लीज़ कल आप सबको विश करना, छेटी चांद बोलते हैं, और जय झूलेलाल। प्लीज़ क्वेश्चन तो नहीं पूछना बट रिप्लाई करना। तो छेटी चांद का आपको मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द सिंधी भाई बहन। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पैसा छापो। वैसे तो हमारा ब्रह्मा कुमारी का स्थापक संस्था का हेड था वो ब्रह्मा बाबा सिंधी था। अच्छा हाँ, वाह भाई वाह। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत धनवान था। नहीं बात, नहीं बात, हीरे जवाहरात का व्यापारी था। वाह थे, था, थे, हाँ, थे, था, थे, था, थे। તમે મેરેજ પછી ક્યાં ક્યાં ફરવા ગયા હતા અને હેઝલ કેટલા વર્ષની છે અને તમારા મેરેજના કેટલા ઈયર થયા છે? ઓકે वो तो बोल दिया मैरिज का कितना ईयर हुआ है। हम सारिका कहाँ कहाँ घूमने गए हैं? बाली गए थे, मलेशिया गए थे, दीव गए थे, गोवा गए थे, उदयपुर गए थे, दमन गए थे, लेह लद्दाख गए थे, दमन गए थे। अभी बहुत सारी जगह जाने वाले हैं। हाँ लद्दाख बहुत घूमे हैं भाई हम, इतना घूम लिए है ना। तो अभी तब मैं व्लॉग नहीं करता था, अगर मैं तब व्लॉग करता तो आप अभी हमारा। हाँ हेजू बोन हुई उसके पहले ही सब। हाँ हेजू बोन हुई उसके बाद कुछ ज़्यादा बोझ वो नहीं है इतना ट्रैवल, पर अभी करेंगे क्योंकि उसका अभी वेकेशन वेकेशन आएगा तो। सारिका दीदी તમે તમારા ફેસ પર શું લગાડો છો? ઓ માય ગોડ તમારું નથી લગાવતી એટલે જ આવું છે। મેડિમિક્સ સાબુ, સાબુ, મેડિમિક્સ સાબુ, સાબુ નથી વો લગાતી નહીં है कुछ। मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगाती, वैसे सिर्फ पानी से ही धोती हूं। ये बहुत एक लंबा है, इसको पढूं के क्या करूं? शिवानी जी ने लिखा है, मे एंड माई मोम वॉचेज ऑल योर वीडियोज भूमिका एंड दर्शक भाई एंड आई एम मोर कनेक्टेड विथ यू ऑल बिकॉज आई एम लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। आई एन्जॉय योर व्लॉग्स, आई कैन रिलेट विथ यू गाइज। निबंध, निबंध बहुत लांबो निबंध। थैंक यू फॉर मेकिंग फैमिली। आई इफ यू डोंट साउंड पर्सनल आई वॉन्ट टू आस्क वॉज सारिका फर्स्ट इम्प्रेशन डिसीजन लाइफ पार्टनर? आई नो फॉर श्योर इट डिफरंट पॉइंट टू इंडिविज्युअल। सो જ્યારે તમે મેરેજ નક્કી થયા ત્યારે કઈ એવા પોઈન્ટ હતો તે હજી પાર્ટનર મેં સારિકા કો ક્યું સિલેક્ટ કિયા? सारिका को मैं देखने गया ना तो एकदम चाका जाम मेरे जैसे थी, एकदम बिंदास टाइप। जो भी मैंने पूछा, जिसका भी क्वेश्चन किया, वो सब आंसर उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया और मेरी आंखों में आंखें मिलाकर आंसर दिया। और जितनी और लड़की को देखने गया था ना, वो कुछ कुछ लोगों अचका जाती थी बोलने में और कुछ कुछ जयदीप को ऐसा ऐसा रिप्लाई करती थी। हाँ, तो मैं बौखला जाता था। एक लड़की को मैं देखने गया, मेरे को बोलते आपको इतनी जल्दी क्या है शादी करने की। एक लड़की तो बोली शादी करने की बहुत जल्दी है। उसको मैंने तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। ऐसा ऐसा कौन बोलता है भाई, मेरे को शादी करनी है, मेरा चॉइस है, तो आया हूँ तेरे को देखने के लिए। अरेंज मैरिज में यार ऐसा होता है। और एक ऐसा एक इंसिडेंट था, पहली बार जयदीप चला लाने वाले थे हमारी सगाई के बाद, और जयदीप ने बोला कि मैं दोपहर को तक पहुँच जाऊँगा। तभी के एक मानसून का मौसम था शायद, तो जयदीप ने बोला हम रात को टेरेस पर ही सब लोग सोएंगे, वातावरण अच्छा होगा तो मज़ा आएगा। तो मैंने बोला कि आप देखने आए थे, तब ऊपर देखा था टेरेस है ही नहीं, नड़िया ही है। तो कुछ कुछ बातें ऐसा हुआ है। इसी के कनेक्टेड एक क्वेश्चन आया कि जयदीप भाई के साथ कोई कॉमेडी इंसिडेंट बना है। भाई हर रोज बनता है, ये डांटते हैं, वो टिप्पणी करते हैं, ये भाई मेरी उड़ाता है ना। सबसे ज़्यादा तू आके घर की उड़ाता है। तो ऐसा होता है, कॉमेडी इंसिडेंट होता ही रहता है और वो आप व्लॉग में हर रोज देखते हो। तो ये है, ठीक है। प्लीज आंसर हाउ यू मैनेज फाइनान्स एक्सपेन्स इन योर फेमिली। કેટલાય ફેમિલીમાં પૈસાના લીધે ઝઘડા થતા હોય છે, તમે લોકો બહુ ફાઇન રીતે રો છો, तो प्लीज आंसर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पापा से स्टार्ट करेंगे, फिर मम्मी को पूछेंगे। पापा हमारा घर में બધા કમાઈએ છે એટલે ઝઘડાનો સવાલ જ નથી। गुड आंसर, एकदम पैसा હું એક વાપરું છું। હા પૈસા सब लोग अभी आ जाते हो અને લેડીઝ લોક ઘરનું સંભાળે અને જેન્ટ્સ લોક કમાય। आपको व्लॉग बनाने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से मिलता है। भाई आप लोग हमारे व्लॉग्स देखते हो, कंटिन्यू करते रहते हो, बहुत सारे कमेंट करते हो, पापा के अब सुविचार की बातें करते हो, मम्मी के भजन की बातें करते हो, केजीएफ का घर पे काम करने का बातें करते हो। सब बातें सुन के क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं, I mean, जो कमेंट पढ़ते हैं उसके हमको मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है। पापा आप क्या बोलना चाहते हो? सब पापा ही बोले, मोटिवेशन घर से ही मिलता है, घर से मिलता है और व्यूअर्स से भी मिलता है। हाँ, दोनों साइड से मिलता है, तभी आगे बढ़ता है, तभी आगे बढ़ता है। Okay. ये सवाल का ऊपर दूसरा सवाल, हार्दिक भाई आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? किस चीज का? तेरा तूने जो चैनल स्टार्ट किया है तेरे से मिला ना। देखो भाई मोटिवेट, ट्रैवलिंग में बहुत दूर दूर तक जाता है, मैं नजदीक जाता हूँ। तो लो मोटिवेशन मिल जाता है। दूर का बताएगा तो नजदीक कौन? हाँ, दूर का जयदीप बताता है तो नजदीक का मैं बता दूंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जेडी भाई તમે લાઈવ વિલેજ લાઈફ વિથ શિવ એન્ડ ઓમ ફેમિલીના વ્લોગ देखते हो? જવાબ આપજો। देखते हैं कभी कभार, ऐसे आ जाता है तो ऐसे वो सजेशन में उनके व्लॉग अच्छे लगते हैं। हाँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मम्मी और सारिका देखते हैं। हाँ, क्योंकि सारिका है ना, क्या है वो लेडीज़ है ना, तो उनका वो बाल स्ट्रेटनिंग वाला, फिर फार्म पे क्या होता है वो सब। मैं दो माइक क्यों पकड़ रहा हूँ, एक माइक। हाँ, तो देखते हैं हम कभी कभी, अच्छा लगता है। क्या है कि वो विलेज लाइफ है, अच्छी है। हाँ, और तो कभी कभी ऐसे देख के हमको भी ऐसा होता है कि उन लोग का लाइफ पूरा कैसा है, सिटी में लाइफ कैसा है, तो उनका पूरा फार्म पापा को भी ज्यादा अच्छा लगता है। एनिमल्स के साथ वो ऐसे अटैच है ना, तो वो ज्यादातर अच्छा लगता है। यस। भूमि दीदी कब आने वाले है इंडिया? अभी उसको पता है, उसकी चैनल में जाके आप पूछो। उसका है ना कभी कभी सरप्राइजिंग आ जाता है, कभी हमको बताती नहीं है। लास्ट टाइम आई थी तब ऐसे एंड में बताया था कि मैं आ रही हूँ, है ना पापा? हाँ बराबर। तो सरप्राइज आ जाता है, पप्पा आवे ट्राय करे छे कि इन्वॉल्व था वो। चलिए ओ ओ ओ आने ले मम्मी, आने ले कान, आने ले। ओ तारे बोलવાનું છે, ચલો બોલી લો। कनिष्क ने सेना थी नवड़ावो छो? वाव, कनिष्क आ गया और उसका क्वेश्चन आया पानी थी। मिनरल वॉटर थी, मिनरल नहीं म्युनिसिपालिटी નું પાણી આવે છે અમારા બાથરૂમ માં, એમાં મે મોજાનું ગવણું બાંધ્યું છે, એમાંથી પાણી ગળાઈને આવે છે। आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर फेवरेट डिश जयदीप भाई, हार्दिक भाई, બીજા બધા ફેમિલી મેમ્બર। फेवरेट डिश पापा से स्टार्ट करते हैं, आपकी फेवरेट डिश क्या है? શાક રોટલી और ભજીયા। પાપા ભજીયા છે તમારી ફેવરેટ ડિશ? બોમ્બે ભેળ છે, ચાઇનીઝ માં પછી લાડવા છે, ચૂરમા ના લાડવા ક્યાં નહીં હે વો પૂછને તુરિયન શાક, તુરિયન શાક ફેવરેટ નહીં। મમ્મી આપકા ફેવરેટ ક્યાં હે? ઢોસા। ओके ये तो हाँ यस आई एग्री। मेरा सबवे है, यस सबवे है, चाइनीज है, मेरा भी थोड़ा लंबा लिस्ट है, बाद में वो बड़ा जाता है। मेरा भी सब कुछ है सिवाय करेला, वो भी अभी अच्छा लगने लगा है, सब खाता हूँ। कच्चा ऑनियन भी नहीं खाता, कच्चा ऑनियन नहीं खाता मैं, उसके अलावा सब कुछ, बिकॉज उसमें थोड़ा होता है। जेडी भाई तमारो ने सारिका नो सगपण कोने कराव्यो? वाह वो पापा को पूछेंगे। पापा हमारा नरसिंह अंकल है ना उर्ली वाला, उन्होंने मेरे को बोला कि जयदीप की शादी सगाई की, मेरे को नहीं की है। तो एक लड़की है हमारे यहाँ रमेश भाई का साला की लड़की है, तो दिखा तो फोटो भेजा और मैंने देखा तो फोटो में मैंने पहली बार रिजेक्ट ही कर दिया था। फोटो में वो क्या हुआ है, छोटेपन का फोटो था ना, तो मेरे को तो बहुत पसंद आ गई, मेरे को नहीं आया था। बड़ेपन हो गया था वहाँ जाके देखा तो। छोटा था वो, देखने के लिए गया तो बड़ी दिख रही, ऐसा था। तो ये हुआ था। मारो क्वेश्चन ये है कि सारिका जी ने जोवा गया था त्यारे क्या क्वेश्चन पूछा था? बहुत सारे पूछे थे, उसके बारे में पूरा व्लॉग बनेगा। आगे बढ़ते हैं। पापा को बहुत लेट हो रहा है। जयदीप भाई तमारो सारिका नो पहली बार मड़िया है सगाई पछी नो पिक शेयर करो, वो भी करके उसके साथ में ही करेंगे। मारो प्रश्न है कि मासी ने के तमे अने सारिका दीदी एक बीजा ने समझो छो, पण क्यारेक सारिका दीदी थी भूल थाय के तमाराथी तो तमे बने केम सॉल्व करो छो? अच्छा, मेरे और मम्मी के बीच में ऐसा होता ही नहीं है, मतलब ज्यादातर होता ही नहीं है, तो वैसे कुछ हमें इधर उधर जाने की बात रहती नहीं है। जो आता है वो हम कर लेते हैं समझदारी से और आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ आया नहीं है अभी तो, और आएगा भी नहीं, वो भी पक्का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद रिवील करेंगे इनकम। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। एक क्वेश्चन पूछा है पापा का, ये जब एग्रीकल्चर बिजनेस है, ये सब कारोबार है, वो कौन संभाल सकता है, हार्दिक या जयदीप? तो पापा इसका जवाब देंगे। तब तक तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ओह माय गॉड, देखो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी टाइम है आप लोगों को बताने का। एक बहुत ही दिशांत काछड़िया, आई थिंक राजू भाई के लड़के ने ही पूछा है ये। हमारा दिशु ने तुम्हारी यूट्यूब इनकम, तुम्हारा फोटोग्राफी इनकम, हार्दिक भाई ने इनकम, पप्पा ने इनकम, वाड़ी ने इनकम, टोटली मंथ इनकम कितनी है? એટલી બધી છે, ગણી ગણાય ને વીણે વીણાય ને એટલી છે। 26 છે, હમતા નથી પણ પછી છે ને છેલે વધતાય નથી, बढ़ताही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है, देते ही नहीं है। सफिशिएंट इनकम है, सफिशिएंट इनकम है, इनफ है, जो हमारा खर्चा वर्चा निकल जाता है और हम एंजॉय कर पाते हैं। और खाવાનું થઈ જાય, બે ટાઈમ નું પાંચ ટાવાનું થઈ જાય, પાંચ રાખો, પાંચ ટાઈમ નું ખાવાનું થઈ જાય, बराबर છે। सही बताऊं तो ऐसा है कि जितना हमने हमारी लाइफ में एक्सपेक्ट किया है कि ऐसा कमाना चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, क्या बोलते हैं वो 6 फिगर वाला होता है ना, वो 6 फिगर है और एंजॉय करते हैं और सब खर्चा वर्चा निकाल के बाद में कुछ बचता नहीं है, ऐसा होता है। हमारा हफ्ता, हमारा बिल, हमारा दूध का बिल, लाइट का बिल, पापा इक्विपमेंट, कैमरा का बिल, यूट्यूब का मतलब क्या बोलते हैं कंप्यूटर का, फिर हार्ड डिस्क लाता हूँ, बिल बहुत आते हैं। पापा को पूछेंगे एक्सपेंस कितना है, पापा दे दो। हमारा पापा महीने का एक्सपेंस अंदाजित कितना है? 1 लाख रुपया है। देखो 1 लाख रुपए का हमारा एक्सपेंस है, उसके ऊपर थोड़ा कुछ बचता है वो खाने में निकल जाता है। फिर कोई साधन सामग्री वसवाट करते हैं तो ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से हम 5-6 जने जो है घर में, अभी तो बच्चे हो गए तो उनका स्कूल का भी होगा, तो इतना हमारा इनकम है कि हम एंजॉय कर पाते हैं। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। अभी कनिष को भूख लगी है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक आप एंजॉय कीजिए हमारा व्लॉग। कल मिलेंगे। कई तो દીધી એટલી બધી છે YouTube ની બધી એમાં આવી ગઈ ને, એમાં આખો આવી ગયો તમારી YouTube ફોટોગ્રાફી, હાર્દિક, પપ્પા, વાડી બધાની ઇન્કમ થઈ ને સબ એક સાથ આ ગયા। ચલિયે તો બાય બાય, સી યુ ટુમોરો। થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધ પોડકાસ્ટ બાય બાય। થેન્ક યુ પપ્પા। ઓકે વેલકમ। માઇક ટેસ્ટિંગ 1 2 3। આશ